एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय रोंदा टोला का मामला, फूड पॉइजनिंग बताया जा रहा कारण, कुछ बच्चों की हालत खराब। आज अचानक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय रोंदा टोला बैहर के स्कूल के बच्चे बीमार पड़ने लगे। लगभग 19 बच्चों को बैहर चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। कुछ बच्चों की स्थिति खराब है, एक दो बच्चे अभी भी बेहोश बताए जा रहे हैं, जिनका उपचार जारी है। ज्ञात हो कि ये वही नया स्कूल है जिसे 28 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है और जहां पानी की सप्लाई नगर परिषद बैहर से हो रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बच्चों के बीमार पड़ने का कारण फूड पॉइजनिंग बताया जा रहा है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए बालाघाट के परसवारा से विशाल महानंद की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा, टाइम 8 मध्य प्रदेश से। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। आज अचानक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय रोंदा टोला बैहर के स्कूल के बच्चे बीमार पड़ने लगे। लगभग 19 बच्चों को बैहर चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। कुछ बच्चों की स्थिति खराब है, एक दो बच्चे अभी भी बेहोश बताए जा रहे हैं, जिनका उपचार जारी है। ज्ञात हो कि ये वही नया स्कूल है जिसे 28 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है और जहां पानी की सप्लाई नगर परिषद बैहर से हो रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बच्चों के बीमार पड़ने का कारण फूड पॉइजनिंग बताया जा रहा है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए बालाघाट के परसवारा से विशाल महानंद की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा, टाइम 8 मध्य प्रदेश से। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। आज अचानक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय रोंदा टोला बैहर के स्कूल के बच्चे बीमार पड़ने लगे। लगभग 19 बच्चों को बैहर चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। कुछ बच्चों की स्थिति खराब है, एक दो बच्चे अभी भी बेहोश बताए जा रहे हैं, जिनका उपचार जारी है। ज्ञात हो कि ये वही नया स्कूल है जिसे 28 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है और जहां पानी की सप्लाई नगर परिषद बैहर से हो रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बच्चों के बीमार पड़ने का कारण फूड पॉइजनिंग बताया जा रहा है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए बालाघाट के परसवारा से विशाल महानंद की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा, टाइम 8 मध्य प्रदेश से। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। आज अचानक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय रोंदा टोला बैहर के स्कूल के बच्चे बीमार पड़ने लगे। लगभग 19 बच्चों को बैहर चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। कुछ बच्चों की स्थिति खराब है, एक दो बच्चे अभी भी बेहोश बताए जा रहे हैं, जिनका उपचार जारी है। ज्ञात हो कि ये वही नया स्कूल है जिसे 28 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है और जहां पानी की सप्लाई नगर परिषद बैहर से हो रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बच्चों के बीमार पड़ने का कारण फूड पॉइजनिंग बताया जा रहा है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए बालाघाट के परसवारा से विशाल महानंद की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा, टाइम 8 मध्य प्रदेश से। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।